रहमान रहीम। आज 13 नवंबर बरोज़ जुमा हम शारदा जा रहे थे, रास्ते में शेख बेला में फायर शुरू हुआ। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये गांव है तेजियां और यहां कई मकानों को आग लग चुकी है जी। और ये देखें यहां मकामी लोग रो रहे हैं और बहुत बुरी हालत है। आप देख रहे हैं इस वक्त कई मकानों को आग लग चुकी है और ये सब सिविल आबादी है। और इतनी बुरी हालत है, यहाँ देखें कई मकानों को आग लग चुकी है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपने असबाब को बचा रहे हैं। बहुत शदीद आग है। आज 13 नवंबर 2020 बरोज़ जुम्मा ये तेजियां गांव है जी। और ये तेजियां गांव में ये इंडियन गोलाबारी से तकरीबन 12:15 बजे दिन को ये गोलाबारी शुरू हुई है। और मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ बच्चे किस तरह स्कूलों में मासूर हैं। 200-200 बच्चे, 150-150 बच्चे स्कूलों में मासूर हैं और बेचारे वो वहाँ पर एक क्यामत का सा मंजर है ये इस आग की वजह से। ये देखें जी आप किस तरह मकामी लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत अपने घरों को बचाने में लगे हुए हैं। और शदीद फायर हुआ यहाँ पर, तकरीबन 20 मिनट तक बड़ा हैवी फायर होता रहा है। पूरे इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले हलकों से, चाहे वो फौज से हों, चाहे वो सापती हलकों से हों, चाहे वो दानिश्वर हजरात हों, चाहे वो कोई भी सलाहियत रखते हैं। ये देखें जी लोगों की हालत, ये देखें जी लोगों का, सर्दियों का सामान जल चुका है, उनकी पूरी उम्र की जमा पूंजी जल चुकी है। ये सिविल आबादी है, न यहाँ पर कोई फौज थी, न यहाँ पर कोई और सिस्टम था। ये आम लोगों के घर हैं, आम गांव है जी। ये सड़क के किनारे देखें आम गांव है। ये खूबसूरत तेजियां का नाला है साथ, ये देखें जी। और यहाँ मकामी लोगों पर ये जुल्म व सितम हो रहा है।